हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको। यार ये छोटा सा मैं अपना 4x4 का ऑफिस सेटअप कर रहा हूँ। मार्केट में कुछ ऐसे दिन आने वाले हैं, अभी थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहेंगी। ठीक है, जो मेहनत थी वो सब कर चुके हैं 18,000 के ऊपर। और यार ये बता दूँ भाई, इसको देख के प्लीज़ मुझे कोई योगी ढोगी प्लीज़ मत समझना भाई। ठीक है, सबसे चीप हरकत होती है भगवान के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस करना। मतलब मैंने बहुत देखा है, इससे चीप कुछ हो नहीं सकता कि लोग भगवान के नाम का इस्तेमाल करें और एज ए ह्यूमन जो बेसिक मोरल्स हैं वो ना हो। ठीक है, जब आप भगवान के नाम से अपने आप को एसोसिएट करते हो तो यू हैव टू सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। तो भाई मैं बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ, मैंने ये इसलिए लगाया भाई, मेरे पापा फॉलोअर थे और उनके रिस्पेक्ट में मैंने लगाया है और बहुत सुंदर भी है यार। तो आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन बट भाई मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, कोई गलत फहमी मत रहना। ठीक है, मेरे लिए भगवान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है और मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ भाई। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ यार क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से जितने बुरे लोग देखे हैं वो ज़्यादातर यहीं से ही निकले। ठीक है, सारे मंदिरों में और सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस से जो लोग एसोसिएटेड होते हैं सारे टाइप की क्वालिटीज़ मिल जाएंगी उसमें, उनमें अपना एजेंडा, अपना सेल्फ इंटरेस्ट, इनसेंसिटिविटी दूसरे लोगों के प्रति, मतलब खुद को भगवान का पर्सनल सेक्रेटरी समझने लगते हैं वो पूजा करते करते। और एज ए ह्यूमन आप उन्हें देखो तो दे आर नॉट इवन फ्रेंडली। एनी वेज उस पर मैं नहीं जा रहा, बट भाई मुझे लेके प्लीज कोई गलत फहमी मत रखना, मैं बहुत ही छोटा मामूली आदमी हूँ, मेरे लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है और आई एम स्टिल लर्निंग। ठीक, कम से कम मैं यहाँ हूँ, अगर मुझे यहाँ पहुँचना है तो मैं भाई मैं अक्नॉलेज करता हूँ मैं भी यहाँ हूँ, तो बता दिया भाई पहले ही। ठीक है, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं भगवान के नाम का और ये सब, तो प्लीज उनसे थोड़ा केयरफुल रहना। चलो यार देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है, बट मोटा मोटा आप देखो तो 18,000 के पहले ऊपर जब था मार्केट तब मैं रोज बोल रहा था कि एग्रेसिव पोजीशन बनाऊंगा जनवरी मार्च के ऑप्शंस में, अभी वो पुट डबल ट्रिपल कुछ हो गए हैं। ठीक है, तो जो मेहनत थी वो तो कर चुके, बट आगे क्या हो सकता है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉल राइटिंग वगैरह मैं किया ही है कंसिस्टेंटली, थोड़ा फंसे भी हैं दिसंबर के पुट्स में, दिसंबर के मैंने रोल ओवर कर लिए जनवरी में, कुछ पोजीशंस लॉस में हैं अभी भी क्योंकि काफ़ी टाइम से रोल ओवर कर रहा था मैं, बट जो फ्रेश पोजीशंस बनाई थी 18,500-18,600 पे या 18,000 के ऊपर, तो वो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा यार, जब जिस दिन मार्केट ने 18,600 का टॉप बनाया था उस दिन मैंने वीडियो बनाया था, और एक 7 नवंबर का मेरा वीडियो है वो देखना, वो जो मेरा मूव था ना वो मास्टर स्ट्रोक था और वो बिना एक्सपीरियंस के नहीं आ सकता। उस समय S&P 4500 के नीचे था आई गेस, मतलब जब मार्केट 18,600 के पास था हमारा, वहां से निफ्टी आप देखो तो S&P US मार्केट 5% ऊपर भाग गए, लेकिन हम 18,600 से 17,300 आ गए। ठीक है, और ये चीज मैंने डेटा से, अपने एक्सपीरियंस से, डेटा से निकाल के 7 नवंबर को वीडियो बनाया था कि यूएस में हाईज देख के मत फंसना। ठीक है, इनफैक्ट एग्रेसिव पोजीशन बनाना, क्योंकि हिस्ट्री ये बोलती है कि यूएस मार्केट मतलब निफ्टी पहले हाई बना देता है और उसके 2-3-4 हफ्ते बाद यूएस मार्केट हाई बनाता है और वो 3-4% ऊपर का हाई बना देता है, लेकिन तब तक हम काफी नीचे आ चुके होते हैं, वही इस बार भी हुआ। तो अब मार्केट में एक ट्रेडर के एक्सपीरियंस की वैल्यू समझो, जिसने मार्केट में लॉस देखे हैं, प्रॉफिट देखे हैं, जो देख रहा है सालों से,
जो खुद ट्रेड कर रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है भाई, ठीक है। ये जो मूव था ना 18600 शॉट करने का, ये चेस में इसको मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है, हटके, ठीक है। तो बहुत लोगों की हिम्मत नहीं हुई होगी यूएस के हाईज देख के, सब बाय ऑन डिप ये शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं रही होगी, जबकि मैं एग्रेसिव शॉर्ट कर रहा था। तो अभी मैं काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन में आ गया हूँ, इनफैक्ट जो मेंबर्स हैं वो भी ठीक ठाक पोजीशन में आ गए हैं जो कल पोल्स कराए थे उस हिसाब से। चलो आज के मार्केट देख लेते हैं अपन क्या हो सकता है। हाँ ये देखो आप पोल्स देख लो तो अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों ने किया है, 2 लाख, 1 लाख, 50 हज़ार, 25 हज़ार, और कुछ कॉस्ट या लॉस में भी हैं, तो ये भी आई बिलीव सब प्रॉफिट में आ जाएंगे। कुछ परसेंटेज वाइज ये भी किया है जो कि ठीक है, सही बात है, किसी के पास 50 हज़ार कैपिटल है उसके लिए 5 हज़ार भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है, 10% रिटर्न। तो इसमें ही परसेंटेज रिटर्न्स में भी अच्छा ही खासा लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। तो यार पोजीशंस मतलब मार्केट पेशेंस को हमेशा रिवॉर्ड करता है, मेरा यही एक्सपीरियंस है। तो आई होप यार सब लोग प्रॉफिट में आए। देख लेते हैं मार्केट अपना, कल आई थिंक इसका लो था 17373, तो हम लो पर के आसपास ही ओपन होंगे, और जैसे ही कल का लो टूटेगा एक बड़ी सेलिंग फिर आएगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। रीज़न ये है कि S&P ने कल अपना ब्लो ऑफ टॉप बनाया है, S&P देख लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, बोल तो कुछ नहीं सकते, बट इस तरह का जो ये कल का कैंडल है, इस तरह के जो मूव आते हैं ना, जहाँ हाई तो बहुत गया मार्केट बट सेलर ने लगा दी, और क्लोजिंग कहाँ दी, एकदम लो पर, और उसका फॉलो थ्रू आप देखो तो आज फ्यूचर्स में भी आ रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर्स अपने हाई से काफ़ी नीचे हैं, नैसडेक भी 16600 तक गया था कल, 16300 कुछ है, ठीक है। तो हम मुझे लगता है आज आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग होनी चाहिए, ठीक है, देखते हैं आज होगी कल होगी बोल नहीं सकते, बट होनी चाहिए। हमारे आईटी स्टॉक्स काफ़ी घोड़े की तरह भागे हैं, S&P विक्स हाई है, यूरो का भी उतना करेक्ट नहीं हो रहा है, उतना बड़े भी नहीं है यार, डेक्स वगैरह देखो तो उतने नहीं बड़े हैं जितने एशियन मार्केट्स, एशियन मार्केट थोड़े मिक्स्ड ही लग रहे हैं, कुछ खास कहीं एक्शन है नहीं। ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव है, जापान पॉजिटिव है, और ये सब माइल्ड नेगेटिव हैं, कल जैसी शायद बिकवाली ना आए बट अंडरटोन बियरिश ही होनी चाहिए, और कॉल राइटिंग शुड बी द थीम, बट देखते हैं ओपन होने के बाद कैसे रिएक्ट करता है। ADRs देखो तो भैया लगी पड़ी है, ठीक है, ADRs तो बोल रहे हैं कि आज और जम के सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है, सब 3 4 5% तो ICICI जैसा स्टॉक ऑलमोस्ट 6%, HDFC 5%, तो भाई देखते हैं। ये इसका ये रीज़न भी है कि आई थिंक नहीं, फ्राइडे को हम क्लोज थे बट फिर भी जो भी ये फैक्टर इन कर लिया हुआ। निफ्टी को देख लेते हैं यार, निफ्टी ने कल ये कैंडल बनाई है, ठीक है, और जब मैं वीडियोस बना रहा था 18,000 के बाय बाय 18,000, टीम ने कुछ थंबनेल भी बना दिए लगा दिए, और उसके बाद ये मूव आने लगे तो काफ़ी लोगों ने गालियां भी दी कि 19,000 आने वाला है, 20,000, और मैं बोल रहा था भाई ये तैयारी हो रही है इसकी, ठीक है। कल मैंने इसका भी बोला था कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे देखो तो उसके चलने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, ना कि 5 मिनट के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे। तो ये हेड एंड शोल्डर कुछ बना रहा है टेक्निकल टर्म्स में। अरे यार बहुत सर्दी है भाई इधर, ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ये ब्रेक कर दिया है कल इसने, और मैं आपको पुराने कुछ मूव्स भी दिखाऊंगा, पुराने मूव्स कहाँ दिखा सकता हूँ, चलो इसमें दिखाता हूँ, ठीक है, ये वन डे का चार्ट है, मैं इसमें हिस्ट्री में जा रहा हूँ। देखो बहुत लोग कल यहाँ निकल गए होंगे इतना बड़ा, क्योंकि इतना वेट कराया है मार्केट ने, ये तो भैया लोगों को गॉड गिफ्ट लगता है,
लेकिन आप पुराने ये मूव्स देखो, लोग यहाँ निकल जाते हैं, यहाँ निकल जाते हैं, यहाँ, ठीक है, असली मूव उसके बाद शुरू होते हैं, जो बड़े बड़े फॉल्स हैं। कोविड, चलो छोड़ो यार कोविड, ये देखो एक बुल रन के बाद यहाँ कहीं पे लोग निकले होंगे, 2019 का है, ठीक है, यहाँ निकल गए होंगे बड़ी कैंडल पे यहाँ, लेकिन असली मूव तो उसके बाद आता है टाइम दे के, ठीक है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कल मैं बार बार बोल रहा था अपना मेंबर्स में कि मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं और शॉर्ट पोजीशन ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये देखो ये सब लोग यहाँ निकल जाते हैं, लेकिन ये तो कल मैंने एक शॉर्ट 1 मिनट वीडियो भी बनाया था कि बुकिंग प्रॉफिट्स टू अर्ली इज वर्स देन बुकिंग लॉस, क्योंकि आप फिर देख ही पाते हो मार्केट, फिर बचता नहीं है कुछ, उल्टा चढ़ जाते हो कि यार चलो बाय करके कर लूँ, आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, सही टाइम पे सही जगह बैठ जाओ। ये देखो जो मोदी रैली के बाद जो आया था, ठीक है, बहुत लोग यहाँ निकल गए होंगे, यहाँ निकल गए होंगे, ठीक है, कुछ फंस गए होंगे तो यहाँ निकल गए होंगे, ठीक है, यहाँ निकल गए होंगे, लेकिन किसी ने 1 2 महीने 3 महीने दिया टाइम मार्केट को, 4 5 महीने, तो भाई देखो आप क्या ज़बरदस्त गिरा है यहाँ से, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है यार। तो कहने का मतलब वही है कि जिस तरह से लूजिंग पोजीशन में पेशेंस रखते हैं, उसी तरह जब पोजीशंस प्रॉफिट में हो तब और ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, कीड़ा जागने लगता है यार, बड़े महीनों बाद प्रॉफिट हुआ, बड़े दिनों बाद प्रॉफिट हुआ। चलो यार ठीक है, तो ये है, और मंथली में देखो अभी निफ्टी फर्स्ट रेड कैंडल ऐसी बना रहा है, एक बनाई थी बीच में, काफ़ी लोग फंसे थे यहाँ पे, देखते हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी नीचे तक जा सकती है, देखते हैं, और नहीं भी तो ठीक है यार। और क्या दिखाना चाहता हूँ, हाँ भाई कल डाउ जोन्स में अच्छा खासा, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल्स में, कैंडल स्टिक्स में ग्रे स्टोन डोजी बोलते हैं, कंफर्म कर लेना, ग्रे स्टोन डोजी मतलब ऊपर भले ही कितना भी है मार्केट, क्लोजिंग एकदम नीचे दी, ये सही है ना वनडे का, हाँ ऐसे ही होगा, कल नीचे ही क्लोज हुआ है। S&P में भी वही मैंने बताया कि ब्लो ऑफ टॉप्स टाइप कैंडल्स होती हैं, और काफ़ी दिनों से हैंगिंग मैन इस तरह के जो हैं वो बन रहे हैं, मार्केट टॉप्स पे लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालिसिस काम करने के चांसेस अच्छे होते हैं, ये चीज़ नोट कर लो, ठीक है, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। निफ्टी आईटी वही मेरे लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, अगर ये गिरा तो ही हम गिरेंगे, फॉलो थ्रू जो भी सेलिंग आनी है इसी से आनी है, बैंक निफ्टी ने अपना काम काफ़ी हद तक कर दिया है, ठीक है यार, ये मैंने दिखाई दिया तो बस, और ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, वीडियो क्लोज करता हूँ, मार्केट ओपन होने वाला है, देखते हैं। बट यही यार देखो, जो एग्रेसिव पोजीशन बनाई थी वो 18,000 के ऊपर बना ली, ठीक है, यहाँ पे उतने ही एग्रेसिव पोजीशन बनाऊँ ये मेरे लिए अब चॉइस वाली बात है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि हमने वहाँ एंट्री मार ली, बहुत लोग अब यहाँ एंट्री मारेंगे, हाँ हाँ कंफर्मेशन मिल गया है, मार्केट बीच में 100 200 200 300 पॉइंट के बाउंस मार के सबको उड़ाता रहेगा, तो दिक्कत यही है कि अब यहाँ फ्रेश एंट्री मारोगे तो भाई वो रिस्क रिवॉर्ड चला गया, वो दिन चले गए, वो भी मैंने एक शेयर किया था कि अपॉर्चुनिटीज लुक्स बिगर वेन दे पास्ट, अभी बाय बाय 18,000 बोल रहा था तो काफ़ी गालियाँ खाई, अब वही 18,000 बहुत दूर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यही है कि अब वो रिस्क रिवॉर्ड जो वहाँ पर था वो यहाँ नहीं है, बट डेफिनेटली टाइम देते हैं अगर जनवरी का मार्च का तो यहाँ पे मैं, इनफैक्ट कल मैंने दिसंबर के पुट्स अपने रोल ओवर कर लिए थे जनवरी में, लास्ट 2 सेशंस में ऑलमोस्ट सब कुछ जनवरी में और मार्च में शिफ्ट कर लिया है, तो चलने दो आराम से धीरे धीरे, सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी एज ए ट्रेडर, शॉर्ट टाइम फ्रेम में वीकली मंथली में मैं कॉल राइटिंग करके जो भी प्रॉफिट लॉस है करूँगा, और लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में 2 महीना 3 महीना उसमें मैं एग्रेसिव ली पोजीशन बनाऊंगा शॉर्ट साइड की, क्योंकि मुझे लगता है ये बफल ही है, ठीक है, जिस जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इवन US डॉलर इंडेक्स अब सपोर्ट करने लगा है, ठीक है, ये जो इस तरह के मूव्स होते हैं देख लो यार हिस्ट्री उठा के, मेरे बोलने से क्या होता है,
हिस्ट्री उठा के देख लो, इनकी दुर्गति बहुत ही बुरी होती है। तो बुरी होगी नहीं होगी, यहाँ होगी जहाँ भी होगी, मैं अपना छोटे छोटे टारगेट लेके चल रहा हूँ। 100 DA में फर्स्ट टारगेट, 200 DA में सेकंड टारगेट। वहाँ जब पहुँचेंगे मार्केट तब रिव्यू करेंगे क्या करना है। ठीक है, क्रैश क्रैश में नहीं चल रहा था, ये सब बच्चों बच्चों वाली हरकतें होती है। जो रैशनली टारगेट्स हैं मूविंग एवरेज के बेसिस पे, मैं उन पर ट्रेड करता हूँ। और जो भी उसके बाद मार्केट दे एक्स्ट्रा, वो बोनस मान लेंगे। चलो यार, मार्केट ओपन होने वाला है, बाय।